रहमान भाई ये कह रहे थे कि अभी आप लोग बना लेना, ठीक है, वो वाली सीरीज़ देख के ज़रूर बनाएं आप, लेकिन मेरी आप लोगों को पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि वो सीरीज़ ज़रूर देखें आप, ठीक है। मतलब अगर आप और मॉडलिंग के, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा तेज़ी से चलना है, तो हम सिर्फ आप मेरे उन लेक्चर्स पे ना बैठे रहो जो मैं डेली आपको दे रहा हूँ 1 घंटे में, कि आप वो देखें। नहीं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट आर्टिस्ट जल्दी बनना है, क्योंकि एनवायरनमेंट आर्टिस्ट से बनने से पहले आपको एक प्रॉप आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। तो प्रॉप आर्टिस्ट जो होता है, प्रॉप का मतलब होता है कि बल्ला कैसे बनाते हैं, चीज़ कैसे बनाते हैं, कुर्सी कैसे बनाते हैं, CPU कैसे बना लिया, पिन कैसे बना ली, माइक कैसे बना लिया, ग्लास कैसे बनाया, बोतल कैसे बनाई, ये चीज़ें आपको इंटरनेट पे वैसे ही बेबहा मिल जाएंगी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, प्रॉप आर्टिस्ट आप लोग नहीं बनने आए हैं, तो प्रॉप आर्टिस्ट इन्वायरमेंट आर्टिस्ट बनने से पहले आपको प्रॉप आर्टिस्ट बनना पड़ता है। वो हम बीच में ही सीख रहे हैं, जब वो हम सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली कि हमारा इन्वायरमेंट भी ऑटोमेटिक, जब हम लोग इन्वायरमेंट आर्टिस्ट बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कि हमारा जो प्रॉप आर्टिस्ट जो हम बन रहे होंगे वो ऑटोमेटिक ही बीच में बन जाएंगे। क्योंकि जाहिर है वो एक छोटा सा काम है, एक ड्रमस्टर बना लिया, गार्बेज बिन बना लिया, या दो तीन चीज़ें बना ली, आलू बना के दे दिया, टमाटर बना के दे दिया, कोई फल बना के दे दिया, ये बड़े काम नहीं है, ये तो छोटे छोटे काम है। यानी कि ये अगर कोई आपसे कह रहे कि हमें ड्रमस्टर बना के दे दो हमें, तो बजाय इसके कि आप कहेंगे 3 दिन लगेंगे, वो वाकई 1 घंटे का काम है, 1.5 घंटे का काम है मैक्सिमम। 2 घंटे में बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है, 2 घंटे में एक बहुत अच्छा प्रॉप बन जाता है डिटेल के साथ। यानी कि एक दिन के अंदर आप 5 से 6 प्रॉप्स अच्छी हाई क्वालिटी डिटेल के साथ दे सकते हैं एक कंपनी को, चाहे वो जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स हों। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। मैं ये कह रहा था कि आप लोग आइएगा इस वाले चैनल पे, ये चैनल पे जब आप आ रहे होंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसको, उसके बाद आप आएंगे प्लेलिस्ट पे। जब आप प्लेलिस्ट पे यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास ये रहा द क्विक स्टार्ट मॉडलिंग इन 3ds Max 2020 या 2021, ठीक है, ये वाली सीरीज़ आप खोल लीजिएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैं बता ही ड्रमस्टर रहा हूँ कैसे बनता है, ये थोड़ा डिटेल है इसमें, लेकिन आपका मैं ये समझता हूँ कि 35 to 40% 3ds Max के मॉडलिंग की बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्योंकि देखें, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं और बड़ी ही सच्चाई के साथ बता दूं, अब जो भी हम आगे करने जा रहे हैं ना, सिवाय अभी यूवी अनरैपिंग के, इसके अंदर यूवी अनरैपिंग भी है, अगर आपको शौक है तो कर लीजिए, अगर नहीं है शौक तो कोई बात नहीं, ब्रेक लगा के रखिएगा, उस वक्त तक मैं भी सिखा ही दूंगा आगे, क्योंकि ये हमारे लेक्चर से चल रहे हैं, लेकिन बताने का ये मकसद है कि आप लोग थोड़ा सा फास्ट चलें। अब ये सीरीज़ है, आप लोग ये वाली सीरीज़ ज़रूर देखें, ये वाली जो क्विक स्टार्ट टू मॉडलिंग, ताकि आपका जब ये आप लोग कर लेंगे तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हम वो इन्वायरमेंट बना रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के, अब वो बंदा, वो सारे बंदे फंस रहे हैं जिन्होंने मेरे स्टार्ट के लेक्चर नहीं लिए हुए, ठीक है। अब कल मैं आफ्टर 10th of Muharram इंशाल्लाह ताला, 10 मुहर्रम के बाद मैं दोबारा से अपनी वो सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। वो जिसने जहाँ तक किया वो किया है, उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता, 1 दिन काफ़ी होता है एक्स्ट्रा देने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला वो फिर आगे चलेगा, तो वो थोड़ा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्काइप पे आप लोग मुझे काम ज़रूर दें, क्योंकि अगर अभी आपने अपने लिए ये पे नहीं लेना शुरू की तो आगे आपको कंपनीज के अंदर मसला होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग फंस रहे होंगे, फिर आप लोग कह रहे होंगे बदरी सर ने हमें काम फंसा दिया, मैं सिखाया नहीं, नहीं सिखाया मैंने सारा है आपको, बस मैंने कहा था काम आप मुझे रिक्वायरमेंट टाइम के हिसाब से देंगे, आप लोग थोड़ा जल्दी देना। आपने ये सीरीज़ ज़रूर देखें आप, ठीक है, 9 सीरीज़ है इसकी, और टोटल भी होगी ना तो ये 1.5-2 घंटे की सीरीज़ होगी, ठीक है ना। यानी कि ये लेक्चर है 8 मिनट का, ठीक है, ये वाला लेक्चर है आपका 12 मिनट का, 8 और 12 कितने हो गए, 24, 20 हो गए, 8, 12, 20 हो गए, 20 मिनट का ये हो गया, ठीक है, ये है 7 मिनट का, 27 मिनट हो गए, ये वाला लेक्चर होगा मेरा 12 मिनट का, ठीक है। टोटल भी ये मेरा जो, अगर ये पूरी सीरीज़ जाएगी ना तो ये बड़ी हद है, बड़ी हद है जाएगी, उसमें ये 1.5 या 2 घंटे की सीरीज़ है ये, तो 1.5-2 घंटे के अंदर आप एक दफ़ा इसको पहले देखें मैंने बनाया कैसे है, कम से कम आपने 6 दफ़ा देखना मैंने बनाया कैसे है, ठीक है। हर वीडियो को आपने 6-6 दफ़ा देखना है कि मैंने बनाया कैसे है, यानी कि आपने 1 दिन पूरा निकालना है इसको देखने में, अगले दिन आपने प्रैक्टिकल करना शुरू करना है इसका। जुबानी, जब आप जुबानी कर रहे होगे तो फिर आप जब फंस जाओगे फिर आपने बैठे रहना है, फिर फंसे रहोगे, फिर फंसे रहोगे, फिर आपने सीरीज खोलनी है, देखना मैंने वो चीज़ कैसे हल की थी,
फिर उसको जब मैंने सॉल्व कर लिया, फिर आपने क्या करना, वहाँ पे उसको पॉज करना, फिर आपने उसको आगे कंटिन्यू करना है। ये नहीं करना है एक स्क्रीन पे आपने चला दिया, दूसरी स्क्रीन के अंदर आप बनाते जाओ, ऐसे कभी मॉडलिंग नहीं आती, ठीक है। वीडियो ट्यूटोरियल देखने का सबसे बेस्ट वे ये होता है कि कम अज़ कम 8 से 10 दफ़ा उसको देखा जाता है, सिर्फ देखा जाता है, और खुद ही अपने जहन में आपने कमांड्स को रिपीट करना शुरू कर देना है। अच्छा अब इसने ब्लेंड, अच्छा अब इसने चैम्फर लगाया है, अच्छा अब इसने कनेक्ट कर दिया है, अच्छा अब इसने लूप डाला है, अच्छा अब इसने वेल्ड किया है, अच्छा अब ये इसने डी अटैच कर दिया है, अच्छा अब इसने अटैच कर दिया है, अच्छा अब ये स्लाइस प्लेनर लगा रहा है। यानी कि आपके जहन में ये कमांडें चलती रहनी चाहिए, कमांड्स चलती रहनी चाहिए, तो क्या होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। फिलहाल ये सीरीज आप लोगों के लिए एज ए गिफ्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसको लेके चलते हैं। तो ये मेरे पास ड्रम सेट हैं, ये आप लोगों ने देखे ही हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी R&D करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा काम जल्दी करना है। अकील आप मुझे बताओ ये कैसे इसको हम शुरू कर सकते हैं, बोसिन। हाँ फिर क्या करेंगे, गायब कर देंगे, फिर क्या करेंगे। अलग कर लेंगे, अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने ये देखना था कि आप लेके कैसे चलते हो, बिल्ली फिर क्या होगा, इससे हटके बताओ। नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कुछ। इसका मतलब ये कि तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, है ना। बेटा जोर से बोल, किसी का लेके खाते हो, खुल के बोलो, क्या हो गया, ऊंचा बोलो जरा। हाँ कहाँ से एक्सट्रूड करना है, कहाँ से करना है, उंगली रख के बताओ यहाँ पर आके। हाँ और ये कैसे निकलेगा, ये अंदर से सॉलिड है, ये कैसे निकलेगा बॉर्डर, फंस गए। अच्छा बैठ जाओ, तुम बताओ। प्लेन से भी बन सकता सही बात है, और है कनेक्शन डाल के एक्सट्रूड किया जा सकता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसको बाद उसको जैसे बाद में चैम्फर डाला जा सकता है, बाहर लाने के लिए, बाहर लाने के लिए चैम्फर ला सकते हैं, और उसके बाद ऊपर से दोनों साइड से एक्सट्रूड करने के बाद ऊपर दोनों से पीछे से साइड में उंगली रखो। साइड पे हाँ ये साइड पे यहाँ पे हमने लगा सकते हैं और ठीक है। आप बताओ वर्क फ्लो आपका क्या होगा, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको कहते हैं आपका वर्क फ्लो क्या होगा, आपकी पाइपलाइन क्या है, आप बताओ। और डिटेल एंड में बाकी अगला काम क्या करोगे। अच्छा फिर उसके बाद इसके जो एजेस हैं एजेस लेवल पे आ इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, एक्सट्रूड कर दूंगा। अच्छा एक्सट्रूड करने के बाद फिर इसको नीचे की तरफ डाउन डाउन कर दोगे, हाँ कर दूंगा। पुश कर दोगे हाँ उसको, जी हाँ जी फिर इसके अलावा अच्छा ये मुझे ये बता दें कि ये एक ही मतलब बॉक्स से ही सारा बनाना हाँ है, बॉक्स से बनाना है सारा, सिर्फ बॉक्स से ही हाँ, बनाना है। सिवाय सिलेंडर्स के यही वर्क फ्लो होगा तुम्हारा, ठीक है। आप सबने सही बताया अपनी अपनी जगह पे कि जितने मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उतना उसके हिसाब से यही बनता है, लेकिन आज हमारे पास जो कमांड्स हैं वो हैं कंस्ट्रेंट्स,
कंस्ट्रेन क्या होती हैं, ठीक है। ये बड़ी हेल्पफुल कमांड है, जो लोग पहले मॉडलिंग करते रहे हैं थोड़ी बहुत उन लोगों को शायद ये ना पता हो, ये एक मैक्स की बड़ी पावरफुल कमांड है, और कमांड नहीं है ये, असल में एडिबल पॉली का एक पार्ट है। जैसे एक्सट्रूड एडिबल पॉली का एक पार्ट है, इंसर्ट बेवल चैम्फर फ्लिप डी अटैच अटैच, ये एडिबल पॉली का पार्ट है। इस तरह कंस्ट्रेन एज कंस्ट्रेन नॉर्मल और फ्लिप नॉर्मल, ये सारे एडिटेबल पॉली का पार्ट हैं। हम लोग एडिटेबल पॉली को ही आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप लोगों के ही वर्क फ्लो के साथ में चलता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लिया बॉक्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके पैरामीटर सेट करने हैं, और आपने इसको कर दिया तकरीबन 1 मीटर, और इसकी जो डेप्थ है वो आप कर दें 0.4 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो भी आप कर दें 0.4 मीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा हाइट में है तो इसको हम लोग कर देंगे ज़रा ज़्यादा, ठीक है जी। अच्छा ये आ गया, अब हमने इसको क्या करना है, ज़ीरो करना है। अगर आप ये ऊपर नीचे का बटन नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले एरोस के, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक ज़ीरो पर आ जाता है, मैं इसलिए ऐसे ज़ीरो पर लेके आता हूँ। अच्छा आप लोगों ने शाबाश वेरी गुड एक्सीलेंट, सब ने बिल्कुल ठीक बताया कि इसको हम लोग ऊपर से डिलीट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा वर्क फ्लो मैं एफिशिएंट कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि हमें ये चीज़ें आगे चाहिए होंगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये करना है, दो तरीके हैं हमारे पास, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। आपने देखा ये टेपर भी तो है, ये कैसे करेंगे हम, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एडिटेबल पॉली करने के बाद इसके अंदर ही एक, ये देख रहे हैं आप गौर करें, एक अंदर सॉलिड है, यानी कि एक परत बाहर है और एक परत अंदर की जानी पे। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने ये करना है कि आपने इस पॉलीगॉन को पकड़ना है, पॉलीगॉन को पकड़ने के बाद आप इसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद नहीं बल्कि मैं वही तरीके करता हूँ ताकि मैं कंस्ट्रेंट पढ़ा सकूँ आपको। मैंने एच पकड़ा, एच पकड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको नीचे की जानी पे ले जाऊँगा, ठीक है जी। नीचे की जानब लेके जाने के बाद अब मेरे पास वो शेप आ गई। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा अब मैं पॉलीगॉन पे आ गया हूँ। पॉलीगॉन पे आने के बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट पे प्रेस किया, और इंसर्ट प्रेस करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थिकनेस दे दी। थिकनेस देने के बाद मैं इसे कर रहा हूँ ओके। अच्छा ये कमांड तो आप सब जानते ही होंगे, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड मैंने जब किया तो ये क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने उसको बाहर की जानब एक्सट्रूड कर दिया, तो अब ये ज़रा थोड़ा मसला कर रहा है। तो आज मैं एक्सट्रूड के साथ काम नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं आज करता हूँ बेवल। बेवल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी ज़ीरो कर रहा हूँ और इसको भी ज़ीरो कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हुआ, ये बेवल हो तो गया लेकिन ये वहीं रुका हुआ है। अब होता क्या है कि मैं इसको ऊपर की जानब या नीचे की जानब अपनी डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ, एक्सट्रूड में भी यही होना था, लेकिन बैबल के अंदर थोड़ी सी मेरे पास गुंजाइश होती है। मैंने अब क्या किया, मैंने एल प्रेस किया और कहाँ आ गया, लेफ्ट व्यू में। एफ प्रेस किया तो मैं कहाँ आ गया, फ्रंट व्यू में। अगर मैं इसको नीचे की जानिब लेके जाता हूँ तो आप गौर करें कि ये जो मेरा एक्सट्रूड हुआ है, बैबल हुआ, ये कहाँ हो रहा है, नीचे की जानिब अब गया है। असल में ये मूव करवाया है लेकिन ये टेपर है, इसको हमने क्या करना है, सीधा करना, ये स्ट्रेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट ज्योमेट्री, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ मेक प्लेनर, मेक प्लेनर को मैं कर दूँगा जी एक्सिस, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल जी एक्सिस में प्लेन हो गया। फ्रंट व्यू में आने के बाद मैंने क्या किया, मैं नीचे की जानिब आ जाऊँगा और इसके बाद मैं प्री प्रेस कर दूँगा और मेरा पार्ट वन कम्प्लीट हो गया। कोई चीज़ चुना समझ में आई हो, यहाँ पर आसान चीज़ है। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने एक यहाँ पे लूप डालना है, एक ऐसा लूप डालूँगा जो ये इसके बॉर्डर को बना रहा हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर एक लूप को क्लिक किया, रिंग की शॉर्टकट की क्या थी, आल्ट आल्ट आर, आल्ट आर प्रेस करूँगा तो रिंग सिलेक्ट हो गया और मैं उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, कनेक्शन आ गए यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, लेकिन आज मैं ये काम नहीं करूँगा, आज मैं आपको एक और शॉर्टकट की बता देता हूँ कि अगर आपने बाहर, आपको पता है कि आपने यहाँ पे लूप डालना है, तो अगर आप बाहर की जानिब लूप डालना चाहते हो तो ग्राफाइट मॉडलिंग टूल में ये स्विफ्ट लूप का बटन है, इस पर क्लिक करें और कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लूप आ जाएगा, ये लूप आ गया, और इसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करके बाहर आ जाऊँगा।
ये रहा, ये देख रहे हो बटन, ये आपका होना चाहिए। तो फिर आप 2019 करेंगे मैक्स इंस्टॉल। हाँ तो ये आ रहा होगा 18 के अंदर, मसला करता है 18 में बड़े एरर हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोग ऊपर की जानिब लेके जा रहे हैं और ये मैंने इसको बराबर कर लिया। आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताएं, जो ये विर्थ है क्या वो ये विर्थ है? नहीं। ठीक है, हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको बराबर करना है पहले। आ जाएगा ये रहा, पॉलीगॉन। इसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके सारा लूप सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, इसको आप कर देंगे बेवल, और बेवल करने के बाद आप इसको दे देंगे विड्थ, इसको बाय पॉलीगॉन करेंगे, और इसका जो है ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन पार्ट्स को आपस में जोड़ना शुरू करना है। एक ये भी तरीका है, और आप एक एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि इनको आपस में हम वेल्ड कर सकें। यहाँ पे ब्रिज वाला काम नहीं हो सकता, कर लेते हैं, नहीं होगा, वो जगह मजदूरी चलती है, चलानी पड़ती है। ठीक है, मैंने वर्टेक्स पे गया, इस वर्टेक्स पे क्लिक किया और इस वर्टेक्स पे क्लिक किया, इन दोनों को मैंने आपस में वेल्ड कर देना है। तो ये रहा आपके पास वेल्ड, वेल्ड की आप ऑप्शन ओपन करेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको वन पे ले आएंगे। अब मैंने दोबारा वेल्ड करना है, तो ये आपके पास था कॉमा, एक कमांड है, ये है रिपीट लास्ट, जो मैंने लास्ट कमांड की है। ऑटोकैड में भी यही होता है, ऑटोकैड में होता है कि जो लास्ट कमांड आपने की होती है ना यूज़, वो आप स्पेस दबा दो या एंटर दबा दो, वो लास्ट कमांड दोबारा एक्टिव हो जाएगी। तो 3ds मैक्स में भी होता है, मैक्स के अंदर रिपीट लास्ट है, ये जो कॉमा है ना, डबल स्टैक कॉमा है, इसके साथ ही जो है ये सेमी कॉलन वाला, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो लास्ट कमांड आपने जितनी कोऑर्डिनेट में यूज़ की होगी वो यूज़ हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। सबकी फीसें लग गई हैं इधर, ले आए ये, अगर अब तो यकीन आ गया ये चैरिटी प्रोग्राम ही चल रहा है। और अभी हमने सर्विस चार्जेस देने हैं। हाँ यार, आप लोगों की जॉब लग जाए हम खुश हो जाते हैं। फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ मैं, लेफ्ट व्यू में। अब ये इजाफी है पॉलीगॉन पूरा लूप, इसको आप डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, क्योंकि हमने लो पॉली भी रखना है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, अब हमने ये निकाल लिया है इसके एजेस। Alt R,
अच्छा कमांड भी यूज कर सकते हो, तुम बता देंगे इसको। अभी प्लेनर वाली अब नहीं होगी, नहीं होगी, हो गई है, हो गई है, हो सकती है। अच्छा अब ये जो है इनको मैंने पास पास करना है। अब मैं इसको अगर पास करता हूँ तो ये देख रही है मैच ख़राब हो रही है आगे से। अब मैं कहता हूँ यार ये मैच ना ख़राब हो और ये थोड़ा करीब भी हो, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा था कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये रहा आपके पास कंस्ट्रेंट, एक है एज कंस्ट्रेंट, यानी कि आप जब एज को हिलाओ तो एज हिले ना अपनी जगह से। अब आपने एज कंस्ट्रेंट ऑन कर लिया, जैसे ही मैं इसको पास लेके आऊँगा तो ये एज इसकी जगह से हिलेगा नहीं अब। ये मेरे जान के ही हरकत की है, ताकि ना ये एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाए कि ये इस्तेमाल कहाँ होती है। फिर एक होता है फेस, फेस वाला, यानी कि आपके पास ये फेस है ना, ये फेस ना ख़राब हो, ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करिए ये फेस आ रहा है, मैं इसको हिलाऊंगा तो इसका फेस अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, यानी कि ये रहा फेस, ये इसका फेस अपनी जगह पर रहेगा ऐसे। मैं इसको अब हिलाऊंगा तो ये फेस के अंदर ही हो रहा है जो हो रहा है, मैं आगे पीछे कर ही नहीं सकता, इसको लॉक हो जाता है। एक है नॉर्मल, ये नॉर्मल और फेस तकरीबन एक जैसा काम करते हैं, लेकिन ये अभी अपने नॉर्मल के आगे पीछे होगा। ये एज है, ये एज के अंदर ही अंदर रहेगा। ये बड़ी हेल्पफुल कमांड होती है आपके मॉडलिंग में, ठीक है ना, इससे आपको इंक्रीमेंट लगते हैं क्योंकि आपका काम जल्दी हो जाता है ना। यार ये नल लाजमी कर देना एंड में, क्योंकि ना फिर ये फंस जाती है। एक ये है और एक ये है। क्या अब इसके अंदर फ्रंट के अंदर तो ये डिटेल है, लेकिन हम लोग ना ये वाली डाल देते हैं। चैम्फर, ठीक है, ये बड़ा ना आपको स्मूथ सा लग रहा है, नरम नरम सा, जैसे सोफ़ा होता है। इसको कंट्रोल ए करना है और इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आके आप कर देंगे क्लियर ऑल, क्योंकि ये एक हार्ड सरफेस मॉडल है तो हमें स्मूथिंग ग्रुप नहीं चाहिए, ठीक है। ये रहा, आ गया वहाँ तक।
इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी वो सीरीज़ को देख लेना, वो उसमें काफ़ी आप डिटेल में बना लोगे, लेकिन यहाँ तक आपके लिए इतना काफ़ी है।